अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक ठाक हूँ। आज मैं बनाने लगी हूँ मिस्स, बेसन की रोटी भी कहते हैं, मिस्स भी कहते हैं इसको। हमारी ज़बान में मिस्स कहते हैं लेकिन बेसन की रोटी भी कहते हैं। तो इसके लिए मैंने 1 कप बेसन लिया है और 1 कप गंदम का आटा लिया है, बराबर मिकदार में मैं लेती हूँ। तो इनको दोनों को मिक्स करना है। ये ग्लव्स मैंने इसलिए चढ़ाए हैं कि इसमें हरी मिर्च का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो उस वजह से हरी मिर्च मैं हाथों पे लगती है बहुत ज़्यादा। तो काटते हैं। इसमें मैंने डाला है हरा प्याज, डाला है दूसरा प्याज, थोड़ा सा डाला है हरी मिर्च, डाली है बहुत ज़्यादा। मैं रेड मिर्च नहीं डालूंगी, हरी मिर्च डालूंगी। हरा धनिया और पुदीना डाला है अपने हिसाब से, जितना आपको पसंद है। एक टेबल स्पून में नमक डालूंगी, कम या ज्यादा आप कर सकते हैं। और थोड़ा सा मैं जीरा डालूंगी, खुश्क धनिया भी डालते हैं बहुत मज़ा आता है, लेकिन वो मेरे पास अभी नहीं था। ज़ीरा डालूंगी 1/2 टीस्पून, काली नहीं हल्दी, हल्दी डालूंगी थोड़ी सी, वो भी 1/2 टीस्पून। इन सब चीज़ों को मिक्स करेंगे, फिर आपको रोटी बनाना बताऊंगी। इनको पानी के साथ गूंद लेंगे, प्याजों के और मिनट गुजर गए। इसको ऐसे ऐसे बनना है, थोड़ा सा मिक्स हो जाए सारी। ऐसे इसके अंदर मक्खन लगाऊंगी, फिर ऐसे लगाऊंगी, फिर मक्खन लगाऊंगी। देखिए बेशक दिखा दे पर ये देखें मजे की बने। ये देखें तंदूर जैसी बनी है। सो गाइस ये रेडी है, इसको लस्सी के साथ सर्व करें, बहुत ही टेस्टी बनती है। और इसी के साथ आज की हमारी वीडियो एंड होती है। इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लाफिस मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, दो में याद रखना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए इस वीडियो को बिग थम्स अप करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। खुदा हाफिज़।
थैंक यू।